पिछली वीडियो में हमने लाइंस के बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार आपके पास एक ग्राफ में दो लाइनें होती हैं और दो लाइनें या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं या वो एक दूसरे को पैरेलल आएंगी या वो एक दूसरे को कोइंसिडेंट करेंगी, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही आएंगी। अब इस वीडियो में हम ग्राफिक सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखेंगे। जो ग्राफिक सॉल्यूशन है आपकी 3.2 एक्सरसाइज, उसको हम करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसके साथ साथ हम तालिका की भी चर्चा करेंगे। ये तालिका कैसे बनती है, कहाँ से आती है, इस तालिका का क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। आप देख चुके हैं कि हमारे पास बहुत सारे लीनियर इक्वेशन मैंने बोर्ड पर बनाई हुई है। ये देखिए लीनियर इक्वेशन एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। आप ये भी पिछले वीडियो में जान चुके होंगे कि इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हमें पेयर की जरूरत पड़ती है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था पेयर की जरूरत क्यों होती है। ये हमारे पास पेयर हुआ है। अब इस पेयर के आधार पर हमने एक तालिका बनाई और इसके आधार पर ये तालिका बनाई और इस तालिका के आधार पर एक ग्राफ बना लिया। ये ग्राफ आप बनाना सीख चुके हैं नौवीं कक्षा में भी। यहाँ पर देखिए जो ये वाली लाइन है ग्राफ की, ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 की लाइन है, रिप्रेजेंट करती है इस लाइन। इसका कोई भी सोल्यूशन इसी लाइन के ऊपर आएगा। चाहे आप एक्स की वैल्यू कोई ले लीजिए, एक्स की वैल्यू के लिए 7 और वाई की 5, वो इसी पे आएगी। ये देखिए कहीं ना कहीं इस पे आएगी। देखिए आप एक्स की 7 और वाई की 5, ये देखो ये 5 और ये 7, ये आएगी। मतलब जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगी वो सारी वैल्यू इसी लाइन के ऊपर आएगी। अब दूसरे वाली इक्वेशन ये रही हमारी, इससे हमने ये ग्राफ बनाया, इसकी ये लाइन बनाई। पहले तालिका बनाएंगे, तालिका के बाद ये लाइन बनाएंगे। जो ये लाइन है ना, ये करती है एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0 की लाइन। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये ऐसी लाइन, दो लाइन केवल एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है। इस बिंदु को हमने यहाँ से मिला लिया, इस बिंदु को यहाँ से मिला लिया। तो ये जो पॉइंट है हमारा, यही इसका सोल्यूशन। अब यहाँ से देखेंगे डिस्टेंस कितनी है। ये देखो यहाँ सीध में है ना, ये 4 है, यहाँ से ये 8 है, तो इसका कोऑर्डिनेट आ गया 8 और 4। तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू आ गई हमारी वो 8 आ गई और जो वाई की वैल्यू आ गई हमारी 4 आ गई। ये सोल्यूशन होगा इसका, यूनिक सोल्यूशन, केवल एक सोल्यूशन होगा, क्योंकि दो लाइनें केवल एक बिंदु पर ही इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन होगा। अब दूसरे केस में हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं इस लाइन का मैंने एक तालिका बनाई हुई है, इस लाइन की तालिका ये बनाई। इन तालिकाओं के आधार पर मैंने एक ग्राफ बनाया और इस तालिका की लाइन ये बनी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यानी कि कोई भी पॉइंट इसी लाइन के ऊपर आएगा। और जो दूसरे वाली तालिका थी वो लाइन भी इसके ऊपर कोई आ गई, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर गई, एक दूसरे के ऊपर संरेख आ गई। संरेख कहते हैं इनको, कोइंसिडेंट लाइन होगी ना आपकी। तो यहाँ पर जो भी पॉइंट दोनों में आएगा वो प्रत्येक को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पर क्लियर दिखाई देता है कि बहुत सारे सोल्यूशन है जो दोनों को संतुष्ट करेगा। तो इसका मैनी सोल्यूशन बहुत सारे सोल्यूशन है, जो भी इसमें आएगा वही इसमें भी आएगा। अब थर्ड कंडीशन देखेंगे, यहाँ पर भी मैंने किसी प्रकार से दो लाइन बनाई है, एक इसके लिए और एक इसके लिए। यहां पर ये दोनों लाइन आप देख सकते हैं पैरेलल लाइन है, एक दूसरे को कहीं नहीं काटती। तो यहां पर आएगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और क्या ये क्या है, यहां पर कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है। जिनमें हमारा सॉल्यूशन निकलेगा उनको हम कंसिस्टेंट इक्वेशन कहेंगे। और जो यहां पर ये इक्वेशन है दो हमारी, ये इनमें कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, मतलब ऐसी कोई कॉमन बात नहीं है जो दोनों को संतुष्ट कर दे। दोनों के अलग अलग वैल्यू रहेंगे और ये दोनों स्टेटमेंट हमारी इनकंसिस्टेंट हमारी इक्वेशन ये दोनों रहेंगे। अब इसके आधार पर हम इनके कोएफिशिएंट के आधार पर भी सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं जैसे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू 0, इनको कोएफिशिएंट के आधार पर इक्वल कोएफिशिएंट करते हैं। सोल्व करना आप जान चुके हैं ये छोटी क्लास में, 3y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 12 बाई 3, तो 4 आ गया। इसी प्रकार से x के वैल्यू निकालेंगे, कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे हम।
अब किसके कोशिश इक्वल करेंगे, वाई के कोशिश इक्वल करेंगे, इसको टू से मल्टीप्लाई, इसको वन से मल्टीप्लाई, टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 24 और एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो, या फिर ये कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ पर कितना आ गया 3x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू 24 बाई 3, तो 8 वैल्यू आ गया। इस प्रकार से x और y की वैल्यू हमने निकाल ली है, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 4, ग्राफिक सॉल्यूशन में वैल्यू हमारी सेम आ गई। अब इन इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि केवल इक्वेशन देखकर ही हम बताएंगे कि कौन सी का ग्राफ कैसा बनेगा और कौन सी इक्वेशन सॉल्यूशन होगा, किसका नो सॉल्यूशन होगा, कौन सी इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, कौन सी इनकंसिस्टेंट होगी। चलिए इसके लिए हम एक तालिका बनाएंगे। अब आप ये देख चुके हैं कि इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारे कोएफिशिएंट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये देखिए इक्वेशन है हमारी, इसमें कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट कौन a1 कहेंगे, y के कोएफिशिएंट को b1 कहेंगे और नॉन एक्स वाई को c1 कहेंगे। इसमें ये a2, ये b2 और ये c2, क्योंकि हमने जब कोएफिशिएंट इक्वल किए थे, जब हमने x का कोएफिशिएंट इक्वल किया तो y की वैल्यू आई थी, जब y का कोएफिशिएंट इक्वल किया तो x की वैल्यू आई थी। अब हम कोएफिशिएंट के माध्यम से देखेंगे, इसमें a1 कितना है 1, b1 कितना है 1, c1 कितना है 12। अब इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट उनको लिखेंगे, a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2, c2 की वैल्यू 0। अब यहाँ पर हम इनका अनुपात रेशो निकाल लेंगे, रेशो निकाल के देखेंगे a1 बाई a2 निकालेंगे 1 बाई 1, इसी प्रकार से b1 बाई b2 निकालेंगे 1 बाई -2, c1 बाई c2 निकालेंगे 12 बाई 0, इसी प्रकार से इस इक्वेशन निकालेंगे a1 बाई a2। अब तक आप समझ ही गए हैं a1 की वैल्यू इसमें 1 है और a2 की वैल्यू 2 है, b1 बाई b2 इसमें b1 की वैल्यू 1 और b2 की 2, c1 बाई c2 5 बाई 10, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं 1 बाई 2। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन निकालेंगे a1 बाई a2 1 बाई 2, b1 बाई b2 2 बाई 4, इसका मतलब भी 1 बाई 2 ही होता है, c1 बाई c2 4 बाई 12, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 बाई 3। अब यहाँ पर देखेंगे हम कंपेयर करेंगे इनको, a1 बाई a2 को कंपेयर करेंगे b1 बाई b2 से। अब यहाँ पर दो कंडीशन होंगी, या तो ये इक्वल होंगी या फिर ये नॉट इक्वल होंगी। अगर ये नॉट इक्वल है, जैसे कि इस केस में है, देखिए इस केस में क्या है, a1 1 बाई 1 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई -2, इट मीन्स यहाँ पर ये वाला लागू होता है। तो यहाँ पर देखा था आपने कैसी लाइन बनी थी, इस प्रकार की लाइनें बनी थी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनी थी। इस सवाल में क्या है कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 कितना आ गया हमारा, ये देखो यहाँ पर ये आया 1/1, 1/-2 के बराबर नहीं है। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको कि इस प्रकार के प्रश्न में हमारे x का वैल्यू 8 आई थी और y की वैल्यू 4 आई थी, ये दो सोल्यूशन आ गए थे, एक ही सोल्यूशन आ गया हमारा। तो यहाँ पर जहाँ पर ये a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा यूनिक सोल्यूशन, यानी कि एक x की वैल्यू निकलेगी और एक y की वैल्यू निकलेगी। और लाइंस कैसी बनेगी, ये आपने ग्राफ में बनाया था, पिछले देख चुके आप पीछे, इस प्रकार की हमारी लाइन ये बनेंगी। तो यहाँ पर यही देखना आपने, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 देन क्या होगा, लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक मात्र हल निकलेगा, एक x की वैल्यू निकलेगी, एक y की वैल्यू निकलेगी। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए आपकी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 आ गई, तब क्या करेंगे, तब क्या होगा, तब हम देखेंगे तीसरी c1 बाई c2 देखेंगे। तब जैसे कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होता है, यहाँ पर देखिए a1 बाई a2 1/2, b1 बाई b2 1/2, ये दोनों इक्वल आ गए, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर c1 बाई c2 चेक करेंगे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, क्योंकि ये भी 1/2, ये भी 1/2 और c1 बाई c2 भी 1, ये तीसरी बराबर आएगी 1/2 की। अब इसमें तीनों ही बराबर आ गई। इस प्रकार के ग्राफ में जब तीनों ही हमारे बराबर आ जाती हैं तो लाइन कोइंसिडेंट होगी, लाइन ये कोइंसिडेंट होगी लाइन हमारी, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी हमारी, तो इसकी मैनी सॉल्यूशन होगी, मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे हल निकलेंगे। जो सॉल्यूशन इसके आएंगे
वही सारे सोल्यूशन इसके आएंगे, ग्राफ पेपर में भी हम ये कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारा, अगर तीनों बराबर आ सकते हैं तो मैनी सोल्यूशन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट होंगी इक्वेशन और मैनी सोल्यूशन होंगे, और लाइन इस प्रकार की लाइन बनेगी हमारी, कोइंसिडेंट लाइन हमारी होगी। तीसरी कंडीशन में क्या होगा, अगर ये दोनों बराबर आ गए, ये दोनों बराबर थे ही, a1 by a2 is equal to b1 by b2, परंतु c1 by c2 के इक्वल ये नहीं आए, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। यहाँ पर देखिए 1 by 2 और ये 1 by 3, ये पहले वाले दोनों तो बराबर है परंतु c1 by c2 1 by 3 डिफरेंस हो गया हमारा। तो यहाँ पर क्या आया, लाइन हमारी क्या आई थी आपकी, यहाँ पर लाइन आपकी इस प्रकार से पैरेलल आएंगी और ये इनकंसिस्टेंट होगी। ये जो इस प्रकार के जो हमारे इक्वेशंस हैं इनकंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट, और ये नो सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इनको हम एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं, जैसे कि आपकी बुक में पेज नंबर 46 पे दिखा रखा है, पेज नंबर 46 पे क्या दिखाया गया है, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then क्या होगा, लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि x की वैल्यू निकलेगी एक, y की वैल्यू निकलेगी एक, कुछ भी वैल्यू निकलेगी, चाहे एक ही वैल्यू निकलेगी, एकमात्र हल होगा उनका, और ये कंसिस्टेंट होगी। कंसिस्टेंट का मतलब पॉसिबल है ये हमारी इक्वेशन, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट होंगी, और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी इस प्रकार से आपके पास, वन केस में। सेकंड केस में क्या है, इफ a1 इज बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, अगर पहले वाले दोनों इक्वल आ जाती हैं तो हम c1 बाय c2 चेक करेंगे। अब क्या होगा, दो ही कंडीशन में दो कंडीशन होंगी, 1 और 2, यदि a1 by a2 तो इक्वल है ही b1 by b2 के, अगर ये तीसरी इक्वल आ गया तीसरी नॉट इक्वल आ गया, ऐसे ही हो सकता है ना, या तो इक्वल आ गया नॉट इक्वल आएगी, अगर ये इक्वल आ गई तो ये लाइन दोनों ऐसे ही बनेगी हमारी, कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी और उसके मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू बहुत सारी आएंगी, वाई की वैल्यू भी बहुत सारी आएंगी, और इक्वेशन ये भी कंसिस्टेंट होगी। अब थर्ड केस में क्या है, अगर तीसरी इक्वल नहीं आती तो हमारी बहुत लाइन पैरेलल आएंगी, ऐसे एक दूसरे को कहीं भी टच नहीं करेंगी लाइनें, पैरेलल आएंगी, यहां पर नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि टच तो करती नहीं, जहां टच करेंगे वही सॉल्यूशन बनेंगे, यहाँ पर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, एक्स की कोई वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, जैसे कि इक्वेशन नंबर थर्ड में दिखाया था आपको, x+2y-4=0, 2x+4y-12=0, अगर हम इक्वल करेंगे तो एक्स इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए तो ये 2x+4y-4=0, यहाँ पर 2x+4y माइनस 12 इज इक्वल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ नो सॉल्यूशन आएगा, इस केस में क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, और यहाँ पर a1 by a2 b1 by b2 इक्वल थे परंतु c1 by c2 के इक्वल नहीं थे, और ये कैसे होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट ये हमारी इक्वेशन होगी। इसी प्रकार से आपने ये तालिका करनी है, और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के साथ फिर मिलेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा, धन्यवाद।